संबंधों की जांच हो रही है। पिछले साल लखनऊ में दो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, अंसार गजवा तुल के दो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, एक आरोपी के घर से प्रेशर कुकर बम भी बरामद हुआ था। हमले की जांच मुंबई, जामनगर, कोयंबटूर तक पहुंची है। कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी छापेमारी चल रही है। मुर्तजा की पहली पत्नी के घर गाजीपुर पुलिस पहुंची है। तलाकशुदा पहली पत्नी उसके परिजनों से पूछताछ होगी, तलाक की वजह, मुर्तजा के तौर तरीकों पर पूछताछ की जाएगी। मुर्तजा के करीबियों से भी एटीएस पूछताछ करेगी। जौनपुर में मुर्तजा की दूसरी शादी तय हो रही है। जौनपुर में जुड़े रहे नए रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो सकती है। नेपाल में भी आ रहा है आरोपी मुर्तजा अब्बासी का कनेक्शन। नेपाल कनेक्शन पर एटीएस की टीम जांच ऑलरेडी कर रही है। इस वाले केस में वीडियो है, घटना का ही है, बंदा 50 बातें बनती तो घटना होते हुए का वीडियो है, इसलिए हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। और दूसरी बात यह है कि अपराधी मौके पर पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री घायल पुलिसकर्मियों से मिले हैं, उनके लिए कुछ पारितोषिक भी उन्होंने घोषित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जांच एजेंसी को मुख्य रूप से ये देखना है कि ये उसका स्वयं का निर्णय है अथवा इसके पीछे कुछ संगठन है। अगर कुछ संगठन है तो भविष्य में और भी घटनाएं अंजाम हो सकती है। एक गंभीर किस्म की घटना है और घटना का दोषी पकड़ लिया गया है। उन बहादुर जो हमारे सुरक्षा के जवान थे, उन लोगों ने साहस का परिचय दिया है, एक बहुत बड़ी अनहोनी को रोकने का काम किया है। और इसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर हो रही, बहुत गहराई से हो रही है। इसके संबंध में जो भी जानकारी होती है वो समय समय पर देने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की अपराध की मंशा करने वालों को संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई सोचे कि इस प्रकार के अपराध करेगा और वह बच जाएगा तो वह युग ही समाप्त हो गया। खबर औरैया से है, जिला अधिकारी के सस्पेंड होने